आज मैं लेके आपके लिए क्या क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग तीन पार्ट्स। कौन से तीन पार्ट्स से हमारे? फोर फिफ्थ सिक्स। इससे पहले बारी वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ रिमेनिंग पार्ट्स, वो आप देख लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और मैं आप सबके लिए क्या लेके आ रहा हूँ, डाउट्स बहुत सारे हो रहे हैं तो व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर फ्री में मटेरियल प्रोवाइड हो रहा और गैस पेपर्स होंगे, उनको सॉल्व करके आपके एग्जाम से लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। अब क्वेश्चन की बात करें, देखो जरा, सॉल्व द फॉलोइंग द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फोर पार्ट की बात करें, इसमें क्या हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू में 1.3, ऐसे में क्या हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। इनमें आप नोटिस कर रहे हो सब में क्या है हमारा 0.0 आ रहा, सब में हमारा पॉइंट हटाओ कितना हो गया 10 हो गया, यहां भी 10 हो रहा, यहां भी 10 हो रहा हमारा, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें 10 बाहर लो क्या आ रहा हमारा 1/10 बाहर आ गया, क्या बचा 2x बचे रहा, 3y बचे रहा इक्वल्स टू में 13/10, ये 10 हमारा इंटू में चले रहा, 3y इक्वल्स टू में 13/10 इंटू में 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 13। ये हमारी क्या रही फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब यहाँ बात कर रहे हैं इसमें क्या करा 4x अपॉन में 10 का हमारा, तो हमने क्या किया 10 बाहर लिया, 1/10 बाहर लिया, क्या बचा हमारा अंदर 4x प्लस 5y इक्वल्स टू में 23/10, ठीक है। अब ये 10 जो हमारा डिवाइड में है कहाँ पर जाएगा हमारा इंटू में, 10 जो हमारा डिवाइड में कहाँ पर आएगा इंटू में, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू में 23/10 इंटू में 10, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू में 23। ये क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं कोई भी हमारा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, नॉर्मली पहले वाली फॉर्म हमारी बन चुकी है, अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। दो वेरिएबल्स हैं हमारे इसमें, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, कैसे हो रहा हमारा ये देखो जरा, 2x इक्वल्स टू में 13 माइनस 3y वहाँ चला गया, माइनस 3y हो गया हमारा, ठीक है ना। अब x इक्वल्स में कितना आ गया हमारा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है हमें x में। अब जैसे इसमें बात कर रहे हैं हम 4 हमारा है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 हो गया हमारा प्लस 5y इक्वल्स टू में 23, 2 से 1 और ये 2, कितना 2 बचा हमारा, 2 × 13 का हो गया हमारा 26 हो गया हमारा, माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू में 23। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके डाउट्स पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अभी तो यहाँ पर क्या है माइनस 6y है प्लस 5y, कितना आ गया माइनस y बचे ना हमारा इक्वल्स टू में 26 है और ये 23 है, वहाँ पर क्या हो रहा हमारा माइनस 3 हो रहा हमारा, कितना आ गया हमारा वाई, वाई हमारा आ गया 3, वाई हमारा आ चुका है इतना, 3 हमारा आ चुका है, ठीक है, क्लियर है, डाउट तो नहीं है। अब हमें करना है क्या, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली फॉर्म थी, इसे पुट करो, ये वाली फॉर्म थी हमारी। अब हमने क्या किया वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 2x 3 × वाई, कितना हमारा 3 हो गया 13, कितना आ गया 2x 13 माइनस 9 4 हो गया, एक्स कितना आ गया 2, एक्स हमारा 2 आ गया, वाई हमारा 3 आ गया। ये हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट का फोर पार्ट कंप्लीट कर लिया, और अब चलते हैं हम सीधा नेक्स्ट पार्ट पर। हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, इसमें क्या हमारा रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू में 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू में 0। अब ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, रूट 2x हमने ये छोड़ दिया, ये क्या हो गया हमारा माइनस का रूट 3y हो गया, एक्स इक्वल्स में क्या आ रहा माइनस रूट 3y अपॉन में क्या आ रहा रूट 2, क्लियर हो गया। ये हमारी क्या रही एच सी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है सेकंड वाले में, एच इतना हमारा माइनस में रूट 3y अपॉन में क्या है रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल्स में 0, क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है
ध्यान से इतना, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इतना होता हमारा थ्री, होता हमारा माइनस हो गया और ये रूट टू हो गया माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू में जीरो। अब इससे एलसीएम लो, रूट टू हो गया हमारा माइनस थ्री वाई, रूट टू इंटू रूट एट कितना हो रहा हमारा, जब भी रूट में होते हैं तो अंदर क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, कितना हो रहा रूट सिक्सटीन हो गया वाई इक्वल्स टू में जीरो माइनस थ्री वाई, रूट सिक्सटीन क्या होता है हमारा फोर वाई होता है, कितना हो गया फोर वाई अपॉन में इतना है रहा रूट टू इक्वल्स टू में जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया हमारा, कितना बचा वाई माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू में जीरो, वाई कितना आ गया जीरो, वाई की वैल्यू इतनी आई हमारी जीरो आ चुकी है। ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कर पुट कितना आ रहा हमारा आंसर रूट टू एट से, यहाँ पर रूट थ्री वाई है इक्वल्स टू में जीरो, जहां जहां पर वाई है वहां क्या पुट कर रहे हम जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, क्या बचा रूट टू एक्स जीरो, एक्स इतना गया जीरो, यानी बोल सकते हैं हम कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का आंसर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, मतलब क्या है कि एक्स और वाई कितना है जीरो, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट पर, अब हम आ चुके हैं सिक्स पार्ट पर, क्वेश्चन फर्स्ट लास्ट पार्ट है ये हमारा, क्या दिया हुआ है थ्री एक्स अपॉन में टू माइनस फाइव वाई अपॉन में थ्री इक्वल्स टू में माइनस टू, साइन फॉर्म क्या दी हुई हमारी एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इक्वल्स में थर्टीन बाई सिक्स, करना क्या है फर्स्ट इक्वेशन में क्या है एलसीएम, कितना आ गया सिक्स आ गया, थ्री इंटू थ्री इतना हो गया नाइन एक्स, टू इंटू फाइव कितना हो गया माइनस टेन वाई माइनस टू, नाइन एक्स माइनस टेन वाई, सिक्स इंटू टू इतना हो गया माइनस ट्वेल्व, ये हमारी क्या रही फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है हमारी, इसमें तेरह एलसीएम क्या आ रहा है सिक्स हमारा आ रहा, टू इंटू एक्स इतना हो गया टू एक्स हो गया, थ्री इंटू वाई कितना हो गया थ्री वाई, थर्टीन बाय सिक्स टू एक्स थ्री वाई थर्टीन बाय सिक्स इंटू में सिक्स आ रहा कैंसिल हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई थर्टीन, ठीक है ये दो फॉर्म हमारी वही बन चुकी है जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट साइन पार्ट का सेम वैसे करना है, दो वेरिएबल्स हमें गिवन है, एक वेरिएबल की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है हमें, नाइन एक्स इक्वल्स टू में माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई, टू एक्स इतना आ गया हमारा माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई अपॉन में नाइन, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है जहाँ पर एच है वहाँ पर लिखो इसमें टू दिया वाई, एच इतना हमारा माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई अपॉन में नाइन प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू में थर्टीन, क्लियर हो गया डाउट तो नहीं है, ठीक है अब हमें करना क्या है सीधा अंडर मल्टीप्लाई करो माइनस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वाई अपॉन में नाइन प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू में थर्टीन, ठीक है ये क्लियर हो गया, सिंप्लीफाई कर रहे से देखो यहाँ से क्या दिया भाई माइनस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वाई और यहाँ पर नाइन है नाइन इंटू थ्री इतना हो गया हमारा ट्वेंटी सेवन वाई अपॉन में नाइन इक्वल्स टू में थर्टीन, ठीक है हमें करना क्या है सीधा माइनस ट्वेंटी फोर ऐसे लिखो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी सेवन कितना हो गया फोर्टी सेवन वाई हो गया, नाइन इंटू थ्री थर्टीन कितना हो गया हमारा वन वन सेवन हो गया हमारा, ये माइनस ट्वेंटी फोर है ये वहाँ चले रहा फोर्टी सेवन वाई वन वन सेवन प्लस ट्वेंटी फोर फोर्टी सेवन कितना आ गया फोर प्लस सेवन सॉरी इलेवन हो गया वन बचा फोर वन कितना आ गया वन फोर्टी वन और वाई कितना आ गया वन फोर्टी वन अपॉन में फोर्टी सेवन कैंसिल कितना आ रहा हमारा थ्री तो यानी वोल्ट्स में वाई कितना आ गया थ्री आ गया, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर क्या आ रहा हमारा थ्री आ जाएगा माइनस ट्वेल्व हो गया नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस थर्टी हो गया नाइन एक्स एटीन हो गया एक्स इतना आ गया टू या एक्स हमारा टू आ गया वाई हमारा थ्री आ गया ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी डाउट आता है कमेंट करके उससे डाउट क्लियर करना, वीडियो पसंद है तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच।